हाय एवरीवन, आई एम अले निशा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस, और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, जिसे मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर डायरिया में एंड हुआ था। और ये थर्ड ट्राइमेस्टर भी डायरिया से स्टार्ट हुआ। एंड जो पर्टिकुलर फूड खाती थी, कुछ कुछ फूड सूट नहीं हो रहा था, और मुझे एक लेफ़्ट साइड में स्टमक में हमेशा एक बर्निंग सेंसेशन था। जैसे ही बेबी ग्रो हो रहा था, मुझे वहाँ पे बहुत बहुत पेन होता था। डॉक्टर बोले कि मे बी गैस समथिंग, क्योंकि मुझे जब भी कुछ खाती तभी होता था, तो उसकी वजह से मैं हमेशा बीच बीच में कर्ड राइस ही खाती थी। जो फूड से मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी वही फूड खाती थी, बट थोड़ा भी स्पाइसी खा रही थी, थोड़ा नॉर्मल भी वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड उसके बाद मेरा मोमेंट भी, बेबी का मोमेंट, चार दिन बहुत अच्छा मोमेंट रहता था। एंड उसके चार दिन मुझे ऐसा लगता था कि मोमेंट बहुत कम है, तो डॉक्टर को बार बार बोलती थी। डॉक्टर भी परेशान होकर बोलने लगे कि ओके 2D एको कर लो करके। तो 2D एको बेबी का किया थ्रू USG। तो फिर रिपोर्ट सब नॉर्मल था, एंड उसमें बेबी का पोजीशन सिफैलिक नहीं था, ब्रीच प्रेजेंटेशन था। तो जब सिफैलिक में रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, बट इट वाज इन ब्रीच। एंड उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन चेकअप, यूरिन चेकअप सब नॉर्मल था। HB एज यूजुअल हमेशा लो ही रहता है, लो ही था, 10 अराउंड 11 था। एंड बीच बीच में डायरिया होना, एंड उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था। कभी डायरिया था तो कभी कॉन्स्टिपेशन, एंड हमेशा लेफ्ट साइड लोअर अपडोमन में पेन रहता था। डॉक्टर बोलते थे इट्स अ पेन ड्यू टू गैस, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। एंड सडनली जब सेवेंथ मंथ के मिड या एंड में मुझे लोअर बैक पेन का भी इशू था। एंड वन डे जब मैं सो रही थी तो मुझे लोअर अपडोमन पेन भी स्टार्ट हुआ, और बहुत माइल्ड था, बेरेबल था, बट टिल मिड मॉर्निंग तक था। तो नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर को ये सब हमने बताया, तो डॉक्टर सेड कि ये लोअर एब्डोमेन पेन बेरेबल है, तो भी स्टिल इट्स नॉट नॉर्मल। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद बोला अगर वापस ये पेन आ रहा है आपको तो फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। बट उसके बाद मुझे कभी नहीं हुआ, बट वो नॉर्मल, इट वाज नॉट अ नॉर्मल पेन, डॉक्टर ने कहा। एंड सेम मेरा कैल्शियम आयन टैबलेट सब चल ही रहा था, एंड बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन के लिए भी टैबलेट था, एंड लोअर बैक पेन के लिए समटाइम पेन किलर दिया था मुझे कभी कभी के लिए। एंड मैं ज़्यादातर करके वो अवॉइड ही करती थी, पेन किलर वो नहीं लेती थी। डायरिया के लिए मुझे कोई टैबलेट कुछ नहीं बोला था, फूड ही चेंज करने बोला था, जो आपको सूट होता है बस वही खाना। तो मैं वही कर रही थी, ज़्यादा करके कर्ड राइस और फूड वगैरह, फ्रूट्स ज़्यादा खाती थी। जो थोड़ा भी स्पाइसी है बिल्कुल नहीं खा पाती थी, कुछ मन भी करता था तो मैं नहीं खा पा रही थी। दैट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी। जैसे एट मंथ स्टार्ट हुआ, सेवेंथ एंड हुआ, एट में भी सब सेम सिम्टम्स थे, जो भी मुझे हो रहा था, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, सेम एवरीथिंग वॉज। बट आई डिडंट डू एक्सरसाइज, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने एक्सरसाइज कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा फील होता था। आई यूज टू फील वेरी हैवी बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से वॉकिंग कुछ नहीं किया उसकी वजह से। एक्टिव तो बहुत थी, कभी भी ऐसे बैठे नहीं रहती थी, सोती नहीं थी, बट मैंने एक्सरसाइज वॉकिंग कुछ किया नहीं। सो आई गेन माय वेट टिल 68 kg एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक मेरा इतना हो गया था। थाई वेट वॉज मोर। एंड जैसे नाइन्थ मंथ स्टार्ट हुआ तो एवरी वीक NST टेस्ट किया जाता था, बेबी का फीटल हार्ट रेट एवरी वीक। और तभी भी एक सोनोग्राफी स्टार्टिंग में, नाइन्थ मंथ के स्टार्टिंग में एक सोनोग्राफी हुआ था मेरा, अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल ग्रोथ, बेबी का ग्रोथ देखने के लिए। वेट वगैरह कम ही था, तो मुझे ऐसे लगता था कि मे बी डायरिया की वजह से ऐसे हो रहा, क्योंकि मुझे प्रॉपर जो भी मैं खाती तुरंत मुझे डायरिया हो जाता था। तो मे बी मुझे ऐसा लगा था कि उसी की वजह से है, बट आई वॉज नॉट श्योर। एंड बेबी का पोजिशन सिफैलिक में आ गया था उस सोनोग्राफी में। जैसे नाइन्थ मंथ का मेड आ गया,
तो जब डॉक्टर के पास गए तो मैंने बोला कि मुझे बैक पेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप किया तो वो बोले कि आफ्टर फोर टू फाइव डेज़ आपको वापस आना है। तो 4 to 5 days के बाद हम गए तो डॉक्टर ने अगेन इंटरनल चेकअप किया एंड डॉक्टर ने कहा कि 2 centimeter सर्विक्स ओपन हो गया, यू हैव टू गेट एडमिट टुडे ओनली नाइट में और आपका डिलीवरी हो जाएगा। तो जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो आई वाज इन द होप कि अभी टाइम बहुत है, 15 days अराउंड है ड्यू डेट के लिए, पर ये बहुत जल्दी हो रहा है। डॉक्टर को भी मैंने बोला बहुत जल्दी हो रहा है ना, तो डॉक्टर से नो प्रॉब्लम, डरो मत, सब नॉर्मल है आपका। तो प्रिपेयर नहीं थी मैं कि हमेशा मन में यही था कि ड्यू डेट में ही होगा बेबी, ड्यू डेट में ही होगा, बट सडनली वो डेट पे बोले तो आई गॉट शॉक। दिन घर पे आए, सबको इन्फॉर्म किया, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबको, वो भी थोड़े कन्फ्यूज हो गए कि अभी कैसे, डेट तो बाद में है। तो सबको आने में बहुत टाइम हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अकेले सब कुछ संभाला, सब घर वगैरह सब ठीक करके पैक करके हम हॉस्पिटल गए और एडमिट हो गए हम। मैं एडमिट हो गई एंड मम्मी भी और मम्मी का पैकिंग सब करके आ गई नाइट एंड मैं बहुत अच्छे से सोई। मतलब मेरा बस यही इंटेंशन था कि बेबी को अच्छा अच्छे से बेबी आ जाए एंड मुझे भी कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं थर्ड मंथ के टाइम पे सो नहीं पाई थी मेरा जब ब्लीडिंग हुआ था, क्योंकि मिसकैरेज करके एक डाउट था। बट इस टाइम पे मुझे एक आई डोंट नो पॉजिटिविटी थी गॉड ग्रेस कि आई शुड गेट अ हेल्दी डिलीवरी और बेबी भी ठीक रहे, अच्छी नींद मिले और बॉडी को टायर्ड ना फील हो पाऊँ मैं द नेक्स्ट मॉर्निंग डिलीवरी के टाइम पे। सो आई टुक अ गुड स्लीप, अच्छी नींद ली एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट एडमिटेड एंड माई थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस। द मिस्टेक आई डिड वॉज कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया ना वॉकिंग किया बिकॉज आवर बेबी का वेट भी कम था हर अल्ट्रासाउंड में एंड बाकी मेरा डायरिया का इशू की वजह से आई सफर्ड अ लॉट एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई शेयर माई डिलीवरी स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।